मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मीटिंग, जिससे कुछ लोग नहीं ज्वाइन करेंगे तो जैसा कि आप सभी लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, कई महीनों से हमारे साथ, बट बहुत कुछ चल रहा है, समझ में नहीं आता कहाँ क्या चल रहा है, कभी इधर कभी उधर। तो मैं सोचा थोड़ा सा एक रिपोर्ट काइंड ऑफ, अभी तक हमने 9-10 महीने में क्या क्या किया है और कितना इम्पैक्ट रहा है, और उसके बाद फिर हम क्या करना चाहते हैं, आप लोग कैसे मदद करते हैं उसमें, कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं, तो उस पर हम ज़्यादा टाइम देंगे। तो हम शुरू करेंगे आज की मीटिंग, और आप सभी का फिर से स्वागत है इस मीटिंग में। और जो भी हम करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, वो सब भगवान का कीर्तन होता है सर, ये सब हम सीख पाए कर पाए, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, फाउंडर एंड आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्सियसनेस वर्ल्ड वाइड। तो उनकी कृपा से और हमारे गुरु महाराज हिजोलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनकी कृपा से हम लोग ये सब प्रयास कर रहे हैं अपनी निजी लाइफ के अलावा, ऐसे टाइम निकले करेंगे। तो हम प्रे करेंगे, थोड़ा प्रणाम करेंगे प्रभुपाद को, मंगलाचरण, और फिर हम शुरू करेंगे। आप जो लोग जानते हैं साथ में रिपीट कर सकते हैं। नमा ओम विष्णु भक्ताय कृष्ण प्रेषाय कृष्णाय भक्तिये श्रीमद्भक्ति भक्तिवेदांत वेदांत स्वामिनिति स्वामिनः नामिनि नमस्ते सारस्वतदेवे वेद नमस्ते प्रवाहिनी सरस्वती विशेषा निर्विशेषा शून्यवादी पाशिता चिंतागणे। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद साखी युवा साथी और भक्तवृंदा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम कृष्ण। राम राम तो जैसे मैंने बोला था, आज का एजेंडा यहाँ पे है, हम बहुत सारे लोग हम एक दूसरे को जानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो नए होंगे या हम किसी को नहीं जानते, तो हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे 1 मिनट के अंदर। हम सबको करना क्या 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 बताना है, मैंने एक स्लाइड बनाया है, आप उसी में लिमिटेड रहिएगा। दूसरा, हम क्या करने वाले हैं कि हमने करीब 1 साल में क्या क्या किया है, वील रिव्यू दैट एंड ऑल्सो अप्रिसिएट पीपल हु हैव डन लॉट ऑफ वर्क, इन्होंने बहुत मेहनत किया है, ये पूरा ग्रुप एफर्ट है। और अभी करंटली में क्या चल रहा है उसको हम रिव्यू करेंगे, कि क्या क्या एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, चल रही है, उसका क्या बेनिफिट है, क्या हमें करना चाहिए, और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो प्लान हैं हम क्या कर सकते हैं। और आएगा फिर कि जब आप ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आपको पता होगा ये चल रहा है, तो फिर देन हम रिव्यू करेंगे कि आप कहाँ और कैसे मदद कर सकते हैं अपने लेवल पे इंडिविजुअल, और फिर अगला स्टेप क्या हो। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने एक दूसरे को। तो हम क्या करेंगे कि आप ऐसा कर सकते हो कि हैंड रेज करोगे तो देन इजी होगा, क्योंकि हम 15-20 लोग हैं, तो या कुछ लोग अगर इंट्रोडक्शन आप बोलना नहीं चाहते हो तो आप चैट में भी टाइप कर सकते हो, लोग पढ़ भी सकते हैं वहाँ से। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, आपको जस्ट अपना नाम, अगर आपके आप इनिशिएटेड हो तो अपने गुरु का नाम कोर्स, एंड देन आप कहाँ से हो और आपका करंट प्रोफेशन क्या है, और आप इस जो प्रोग्राम है इसके बारे में आप कैसे जानते हो और कब से जुड़े हुए, बस इतना ही बताना है। और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो मैं बता सकता हूँ, मेरा शुरू करता हूँ मैं अपने से, कि मेरा नाम पुरुषोत्तम दास है और मेरे गुरु महाराज हिजोलीनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, और मैं अभी सेंट लुइस US में हूँ, और मैं साइंटिस्ट हूँ प्रोफेशन से, एंड मैं और मेरे साथ पवन निमाय दास प्रभु दोनों ने मिलके गुरु महाराज के ऑर्डर से हमने ये शुरू किया अपना छोटा सा एफर्ट प्रीचिंग का, वर्चुअल प्रीचिंग। तो नेक्स्ट कौन जाना चाहेंगे? यस नारद मणि।
हरे कृष्णा प्रभु इज धन्यवाद टू एवरीबडी ऑन कृष्ण प्रभुपाद गुरु एंड गौरंगा. मैं बहुत दिन से इसमें हूँ परंतु कभी टाइम नहीं मिला कि पूरा अटेंड करा. आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज. प्रसन्न दास से बात की थी भाई कैसा करते हैं, तो आज कुमाला में पौने यहाँ के 15 मिनट के बाद वो शुरू होगा गुरु महाराज की रीडिंग. इसने मैं बस मुझे कन्फर्म नहीं कर पाया मैं कि कर सकना कि नहीं. तो मेरा नाम है नारद मुनि दास, मेरे गुरु महाराज का नाम है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी. मैंने 86 में उनसे इनिशिएशन लिया था. मैं वैनकूवर में हूँ, अभी मैं रिटायर्ड हूँ. ऐसे मंदिर में सेवा करता हूँ और इस न्यूज का मुझे करीब 9-10 महीने पहले पुरुषोत्तम दास प्रभु के थ्रू मालूम पड़ा. तो ज़्यादा मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया बिकॉज सम कॉन्फ्लिक्ट होता था, जैसे आज भी कॉन्फ्लिक्ट है कि 7:45 बजे गुरु महाराज की रीडिंग है. तो उस टाइम तक मैं रहूँगा, यदि हो सके थोड़ा 5-10 मिनट ज़्यादा भी रह सकता हूँ. तो जैसे आप मुझे वीडियो भेज दोगे रिकॉर्डिंग करके तो मैं उसमें भी इनिशियल अपना बता सकता हूँ. हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच प्रभु. वेलकम टू द ग्रुप. एंड आप सीनियर ड्यूटी I've been सबको in the group, बेनिफिट but I haven't मिलेगा. been able to because, as I told you, नो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्लीज गिव योर ब्लेसिंग्स एंड या बी नाइस. एंड प्रभु बहुत सीनियर ड्यूटी हैं और प्रीचिंग करते हैं, डेडिकेटेड हैं गुरु महाराज की और नेक्स्ट कौन जाएगा? बिंदु माता जी चलिए, अब मैं नाम बुलाता हूँ फटाफट हो जाएगा. हरे कृष्णा प्रभु जी. मैं से फिजिकली तो मेरा नाम बिंदु सरीन है, स्पिरिचुअली आई एम एन आत्मा. आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस ग्रुप फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर, बट आई हैव बीन इन भक्ति फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़. आई एम अ होम मेकर. थैंक यू सो मच. माता जी इज बहुत डेडिकेटेड है, वेरी एंथुसियास्टिक. सनी माता जी ने चैट में लिखा है, मैं उनका पढ़ देता हूँ. आई एम सनी फ्रॉम कनाडा. आई एम आई टी प्रोफेशनल एंड आई लव टू हेल्प फॉर एनी काइंड ऑफ आई टी रिलेटेड वर्क. आई अटेंड द सेशन कंडक्टेड इन दिसंबर 2023. हरे कृष्ण. वेलकम सनी माता जी, थैंक यू सो मच. यस, हमें आई टी का बहुत हेल्प चाहिए होगा क्योंकि ये वर्चुअल प्रोग्राम है. ऑफकोर्स सब चीजें आई टी पे ही चल रही. सो थैंक यू. जी प्रभु जी. Yes. So then next, Subhalata Mataji. जी जी प्रभु जी. मैं हाउस वाइफ हूँ, आपसे शुरू से जुड़ी हूँ. और मेरे गुरु महाराज जो हैं वो ध्यान स्वरूप जी ऋषिकेश. मैं 50 साल से उनसे जुड़ी हुई हूँ. Yes. और मैं आपसे तो अभी गीता के शुरू में ही, जब गीता का हुआ था तभी से जुड़ गई थी. मैं इस टाइम ना प्रभु जी ज्यादा नहीं बात कर सकती, क्यों मैं हॉस्पिटल में हूँ तो थोड़ा बात करना वो शोर बहुत है आवाज में. थैंक यू. पवित्रा हरे कृष्णा प्रभु जी. मैं पवित्रा जोशी अभी सैन डिएगो में बेस्ड हूँ. माय होम टाउन इज रामेश्वरम इन तमिलनाडु इंडिया. सो बेसिकली आई एम अ टेस्ट इंजीनियर इन सिलिकॉन, फॉर सिलिकॉन टेस्टिंग इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री. और आप अभी 6 महीने आपसे I have been connected with you for 6 months. Started with the Bhagavad Gita class and I started involving in many of the activities. Bhakti mein pichle se hi main connected hu. To abhi bahut spiritual aur connected feel kar rahi. Thank you. Thank you, Prabhuji. No, thank you so much. You're so inspiring, delicate. Rajiv Prabhu. राजीव प्रभु. हरे कृष्ण. आप मेरी आवाज सुन. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी मेरा नाम राजीव लोशन दास है एंड आई एम बेसिकली आईटी प्रोफेशनल बेस्ड आउट ऑफ वर्जीनिया वॉशिंगटन डीसी.
And I'm associated with this group from last, when you started it, probably a year. But I associated with ISKCON about 25 years. This is a small introduction of me, Prabhuji. Any seva for me, I would love to do that. I would love to serve that. Thank you, Prabhu. Yes, thank you. Thank you. Narad Muni Prabhu, I think, left. We just text. Thank you, Rajiv Prabhu. Yes, and he was also a senior deity. Thank you for giving us a chance to be with Krishna. We have Prabhu. Then Sri Lagna Mishra. लगना जी आपको मेरी आवाज आ रही यस प्रभु जी यस प्रभु जी या आई हैव सेंट माय इंट्रोडक्शन इन द चैट आई एम एक्चुअली सुष्मिता मिश्रा ये मेरी बेटी का आईडी से ज्वाइन हो गया इसीलिए श्री लग्न मैं अभी मस्कट ओमान में हूँ आई एम अ होम मेकर और मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया था लास्ट ईयर और पार्ट ऑफ भगवत गीता ट्रांसलेशन वर्क किया है और डिप्लोमा कोर्स भी किया और आगे का मैंने बीच में थोड़ा ये कर दिया ब्रेक कर दिया बट आई हैव बीन ऑलवेज कनेक्टेड टू दिस ग्रुप जहाँ पॉसिबल हो पाता है मैं देखती हूँ एंड आई होप आई गेट सम वर्क टू डू आई विल बी वेरी यस ये थैंकफुल टू यू थैंक यू मानसी एंड आई रिमेम्बर ये बहन भी थी आप दोनों ने ज्वाइन किया या या संगमित्रा यस 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 नितेश प्रभु यस Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी मैं प्रोफेशनली जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैनेजर हूँ और स्पेशली जो है कि इस ग्रुप से तो मैं पिछले साल जुड़ा लेकिन हाँ हरे कृष्णा इस्कॉन मंदिर जुहू चौपाटी मैं बेसिकली मुंबई में रहता हूँ नालासोपारा एरिया में तो इस्कॉन जुहू चौपाटी और आपका जुहू और चौपाटी दोनों जगह हमारा रेगुलर विजिट रहता है लेकिन हाँ ये जानने की इच्छा थी हमारे अंदर में कि हाँ कि और क्या होगा लेकिन आपसे और प्रमोद निमाई प्रभु से मिलने के बाद में जाने के बाद में और इंटरेस्ट बढ़ा और इसमें मैंने और कई लोगों को भी इसमें जोड़ा जो है भक्ति में भी लोग जुड़े हुए हैं तो जो भी सेवा रहेगा हमसे जो हो सकता है हम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद No, thank you. आप भी बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और सब एक्चुअली जो मोस्ट ऑफ लोग जो कॉल पे हैं बहुत दिनों से हम सब थैंक यू जेनी माता जी कृष्ण तो मेरी आवाज आ रही है तो आप प्रभु जी आपने बोला शिनी मैंने लिख दिया था अपना नहीं जेन जेनी माता जी जेनी जे ए माता जी मणिपुर से हैं जेनी माता जी और इस्कॉन ग्रुप चंडीगढ़ से जुड़ी हुई थी वहां से ये सर्टिफिकेट कोर्स के थ्रू यहाँ पे जुड़ी और वो वर्क करती हैं ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री में सर थैंक यू माता जी जगदीश देवानी कैन यू हियर मेरी आवाज आ रही है यस आप म्यूटेड हैं आवाज नहीं यस म्यूट म्यूट रहिए तो आवाज ओके जी आवाज आ रही है अभी
यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं राजस्थान मारवाड़ जंक्शन से बिलोंग करता हूँ और मुझे अभी 14 महीने हुए हैं इस कॉन से जुड़े हुए, और मेरे शिक्षा गुरु हैं भाईंदर से मुंबई, लोकाध्यक्ष प्रभु जी। तो वो जब से जीवन में आए द्वारकाधीश में, हम लोग 220 लोग करीब ग्रुप में गए थे भाईंदर के लोग थे सारे, तो वहां से सारा जीवन में परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया। मतलब जब से मैं द्वारकाधीश गया 27 दिसंबर और आज तक का दिन, मतलब मेरे पास ये सारे ऐसे ये इन बुक्स ने मेरी सारा जीवन बदल दिया है। अभी मैं चैतन्य चरितमृत पढ़ रहा हूँ, मैंने भागवत गीता पढ़ ली है, श्रीमद् भागवतम के मैंने पूरा ये पढ़ लिया है, अभी चैतन्य चरितमृत में पढ़ रहा हूँ। तो मेरी ये मेरी मेरा ये जो टाउन है, एक छोटा सा टाउन है, तो मेरी यहाँ पर इतनी बड़ी इच्छा है कि मैं यहाँ पर जो यहाँ लोग हैं इनका, यहाँ जो छोटे छोटे बच्चों पर मेरा फोकस है कि मैं ताकि यहाँ पर इस्कॉन का एक सेंटर खुल सके। एक यहाँ पर लैंड देने को भी तैयार है, लेकिन वो यहाँ से 3-4 किलोमीटर थोड़ा सा दूर है। मेरी दिली इच्छा है कि यहाँ पर इस्कॉन का एक सेंटर बनना चाहिए। तो मैं इसी वजह से, मुझे किसी ने रेफरेंस किया था और मैं बड़ा तड़प रहा हूँ अंदर की कोई मुझे गाइड करे कि मैं कैसे किस तरीके से स्टार्ट करूंगी, तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास 2-4 बच्चे भी आते हैं सीखने के लिए, जो जो मैंने सीखा है प्रभुपाद जी से, जो मैंने पढ़ा है, मैं उनको बता रहा हूँ, लेकिन तरीके से कैसे उसको तरीके से किया जाए वो मुझे नहीं थोड़ा आ पा। तो जैसे आपकी सेवा होगी, जिस तरीके से मैं वो कर पाऊंगा। यस यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे सीनियर डीओटीज हैं और सब लोग हैं, मैं भी हूँ, और जरूर हम आपको मदद करेंगे और हम सब साथ में कुछ अच्छा ही करेंगे। बहुत अच्छा से सुशील सिन्हा प्रभु। Myself Sushil Kumar Sinha from Patna. Sushil Prabhu भी बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सर नमस्कार सर, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मैं 6 मंथ से, 6 मंथ से मैं जुटा इससे, 6 से 7 मंथ से मैं, और मैं हर क्लास कर रहा हूँ, लेकिन डिग्री कोर्स में मैं कंटिन्यूटी में नहीं रह पाया। मॉर्निंग का केस मेरा, मॉर्निंग में मैं सुबह चैंटिंग में रहता हूँ। थैंक यू प्रभु। और कोई सेवा हो तो बोलिए। यस ऑफ कोर्स, वो बात हम करने वाले हैं। आप लोग देखिएगा कि आपके पास क्या है, आप कैसे कर सकते हैं, आपको क्या ज्ञान है, या आप किसी को जानते हैं जो कर सके। कभी कभी हमारे फ्रेंड में कुछ अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो कर सकते हैं। तो आप सब एक मैंने 2-3 आदमी को लिंक दिया है मैंने। यस यस 3 आदमी को लिंक मैंने दिया है, तो ये लोग साथ ज्वाइन करते हैं मॉर्निंग में, दे वर टेलिंग। ओके सो नेक्स्ट इज मुकेश्वरी यादव माता जी हैं। हरे कृष्णा। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, यहाँ गरियाबंद जिला से, और मैं 4 साल से जुड़ी हुई इस्कॉन से। बीच में जब करना छोड़ दी थी मेरे हस्बैंड के जाने के बाद, फिर बीच में स्टार्ट की थी, फिर बीच में बंद हो गए जब, फिर उसके बाद अभी आपसे 6 महीने हो गया जुड़े, तो रोज एक माला तो रोज होता है जब। थैंक यू मासी। श्वेता मात जी हैं, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी आपको? ज्योति माता जी कृष्णा। ज्योति माता जी हरे कृष्णा। तो हम सबको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो आप
बारे में लोग जानना चाहेंगे, आपका नाम, आपका स्थान, आपका प्रोफेशन और आप कब से यहाँ से जुड़ी हुई हैं, चार चीजें। हरे कृष्णा सभी को। तो जी मेरा ज्योति शर्मा है, मैं यहाँ जसपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। एक्चुअली 2022 से ही आइसटीम से आपका जो केयर एक है तो हम उससे कनेक्ट हुए थे, और फर्स्ट में ही जब आप स्टार्टिंग हुआ था ये भागवतम क्लास तब से हम कनेक्ट रहे हैं इस्कॉन और आपके एसोसिएशन के साथ। आप करती क्या है प्रोफेशन में? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक्चुअली बैकग्राउंड में वॉइस आ रहे। हरे कृष्णा, एक्चुअली मेरा प्रोफेशनल में असिस्टेंट प्रोफेसर में वर्क कर रही थी, तो बट अभी मेरे एग्जाम चले पीएचडी वगैरह तो मैंने छोड़ दिया है जॉब, तो अभी मैं दूसरे जॉब में के लिए अप्लाई कर रही हूँ। माता जी भी बहुत एंथुसियास्टिक डेडिकेटेड है। मीता माता जी, हरे कृष्णा। मीता माता जी, कैन यू हियर अस? आवाज आ रही है? श्वेता माता जी, आई एम कमिंग बैक टू यू, अगर आप इंट्रोड्यूस कर सकती हैं तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। सर यस प्रभु जी, मेरा नाम श्वेता है और हम करीब 6 महीना पहले मतलब एक गौड़िया मठ करके है उसमें आना जाना मेरा हुआ, तो उसी से हमको वहाँ एक प्रभु जी मिले थे शुभम प्रभु जी करके, उन्होंने हमें ऑनलाइन में जोड़ा था। तो आपसे जुड़े हुए तो मेरा ज्यादा दिन नहीं हुआ, नवम्बर से जुड़े हैं और हम हाउस वाइफ हैं, जमशेदपुर झारखंड में रहते हैं। थैंक यू, वंडरफुल, थैंक यू। सो सबका आई थिंक हो गया है, कोई कोई बचा नहीं है। मेरा रह गया जी। हाँ आप बोल नहीं रही थी। एक्चुअली प्रभु जी, मेरा ना बेटा उसका ना गिर गया, चोट काफी लग गई है उसको, तो मैं बस उसी के साथ लगी हुई थी तो बोल नहीं पाई, इसीलिए मैं थोड़ा उसके साथ बिजी थी, साइकिलिंग कर रहा था तो गिर गया, तो सारे फेस पे उसके मतलब कोई नहीं, सही हो जाएगा 2 हफ्ते में सब सही। ठीक है, मेरा तो प्रभु जी आपको पता ही है, मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ सब बाकी मतलब को नहीं पता सब है, अच्छा ही सबको अच्छा है, कृपा है आपकी, पूरे भक्तों की, सबकी, कान्हा जी की, सबकी कृपा है। ठीक है, सब बहुत अच्छा है, जो भी वो करेंगे अच्छा ही करेंगे, और इस टीम से जुड़ के मुझे जो मिला है कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, सब कुछ मतलब सब बहुत अच्छा है। सोनू जी ने अभी ज्वाइन किया है। हरे कृष्णा, आपको मेरी आवाज आ रही है? सोनू जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आप हैं? हाँ जी, नाम सोनू दिख रहा है। वो मेरा ही नाम है प्रभु जी, मेरा का ही नाम है। दो नाम है। ओके, यस, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे सबको और उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट प्रभु जी, मैं पहले करनाल में रहता था जब मैं आपसे जुड़ा था, अब मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मैं प्राइवेट फर्म में एज एचआर जॉब करता हूँ प्रभु जी। एचआर भी है हमारे पास, जनरल टर्म है तो। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन है, मैं आपको एक रिपोर्ट दूंगा, रिव्यू हमने क्या क्या किया। सो प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया मई 2023 में और अभी फरवरी 2024।
सबसे पहले चीज हमने शुरू किया इस प्रोग्राम में, जो इनिशिएटिव में कि हमने फर्स्ट भगवत गीता कोर्स स्टार्ट किया मई 2023 में, ऐड शुरू हुआ था उसका, और जून से लेके अगस्त तक करीब 2.5 महीने तक हमने ये पहला भगवत गीता कोर्स करवाया वर्ल्ड वाइड, जिसमें 2500 लोगों ने रजिस्टर किया था और 24 कंट्रीज से आई थी लोग थे, और 300 लोगों ने पास किया, उसमें से 700 लोग से पार्टिसिपेट किए, मतलब वो पास नहीं कर पाए, और 18 इंटरनेशनल गेस्ट आए थे उसमें 18 चैप्टर के। फिर दूसरा हमने भगवत गीता कोर्स शुरू किया जो दिसंबर में शुरू हुआ 23 में, और जनवरी 2024 18 दिन का कोर्स था, 800 लोगों ने रजिस्टर किया, 100 लोगों ने करीब पास किया, और अभी मार्च है और बहुत कुछ है इस दो कोर्स के बीच में, बहुत कुछ हुआ है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला कोर्स था गीता का, और इस कोर्स में हमने जैसा मैंने बताया कि 2500 लोगों ने रजिस्टर किया था, और इसमें एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने मदद किया, बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया, तो सबको थैंक यू। कुछ लोगों का नाम जो लोग लीड में थे उनका नाम है, लेकिन आप सब में से बहुत सारे लोगों ने इसको स्प्रेड करने में मदद किया था। तो आउटरीच टीम थी हमारी, मैं पुरुषोत्तम और मेरी वाइफ प्रिया गोपी थी, किरण प्रभु थे, और बहुत सारे वॉलंटियर एक्चुअली आप सब में से सभी लोग थे। क्विज टीम थी जो पूजा अर्चना माता जी और पवन पुत्र दास प्रभु मैनेज कर रहे थे क्विज, 18 चैप्टर थे क्विज बनाना, और स्लाइड और कंटेंट डेवलपमेंट मोस्टली मैं और पौर्णिमा दास प्रभु, नंदी बंधु प्रभु और स्तुति माता जी एक थी जो हमें हेल्प करती थी उस टाइम पर। विजय वैल्यूएशन एंड सर्टिफिकेट पवन पुत्र दास प्रभु और मैं करता था, और बहुत सारे लोग जैसे मैंने बताया यहाँ पे भर जाएगा, एक अलग स्लाइड ही है उसकी, सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मदद किए थे जोड़ने में, तभी जाके हम 2500 लोगों को जोड़ पाए थे ज्यादा लार्ज स्केल पे, और हम नए थे, हमें एक्चुअली कुछ पता नहीं था, हम बहुत नए थे। मुझे एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं आइसक्रीम केयर ऑलरेडी 2 साल से चलाता था, जिसमें हम ऐसा ही इवेंट्स और एक्टिविटीज कोर्सेज कराता था मैं, बट भगवत गीता के डायरेक्शन में मेरा पहला कदम था, और मैं खुद नहीं जानता था कैसे करूंगा, गुरु महाराज का ऑर्डर था और मेरी डिजायर भी थी, तो दोनों मिला के और भक्तों का साथ, सो वी डिड, हमने किया। फिर हमने दूसरा कोर्स लॉन्च किया दिसंबर में लास्ट ईयर, कम लोगों ने रजिस्टर किया प्राइमरली बिकॉज इट वॉज ईयर एंड, और बहुत सारे लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं, फिर भी 800 लोगों ने रजिस्टर किया था और 66 लोगों ने पास किया एग्जाम, और 120 लोगों ने एटलीस्ट 2 एग्जाम्स दिए थे, और इसमें भी मोर और लेस सेम लोग काम कर रहे थे, कुछ नए लोग ज्यादा नहीं एक्टिव हो पाए, एक्सेप्ट आउटरीच में आप सब देखें बहुत सारे नए लोग जो फर्स्ट बैच से जुड़े थे आपने इसको स्प्रेड किया, मोस्ट ऑफ लोग आप जो लोग कॉल पे हो सब लोग, चाहे वो मधु माता जी, निहाल माता जी, बहुत सारे लोग कॉल पे नहीं है, सुभलता माता जी, सुषमा माता जी, नरेश प्रभु, लाइक सो मेनी पीपल, राइट, आप सब लोगों ने इसको फैलाया और किया, बड़े शॉर्ट नोटिस पे भी था, हमने एक्चुअली एड 1 महीने पहले निकाला, और तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया था, तो नेवर्थलेस हमने उसको किया। अब उसके बीच में क्या क्या हुआ, क्योंकि एक प्रोग्राम मई में हुआ, दूसरा दिसंबर में हुआ, पर उसके बीच में हमने बहुत कुछ किया। तो हमने क्या किया, पहला हम वर्चुअल फेस्टिवल सेलिब्रेशन करते थे, जिसमें आप बहुत सारे लोग आप आते थे, तो जो लोग भगवत गीता कोर्स खत्म करते थे उनको हम 30 डेज हरे कृष्ण चैंटिंग के लिए लेते थे, 30 दिन वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे 2 राउंड। फिर हमने डिग्री कोर्स लॉन्च किया, जिसमें आप सभी लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हो डिग्री कोर्स में, हम डिटेल भगवत गीता का स्टडी कर रहे हैं, श्लोक बाय श्लोक, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, और फिर हमने
चौथा किया कि हमने पुरुषोत्तम मंथ पिछले साल था, हमने सेलिब्रेट किया, पूरे 30 दिन हम भगवद गीता का 15वां अध्याय पढ़ते थे 30 डेज, और कार्तिक मंथ भी हमने साथ में सेलिब्रेट किया, दीपदान हम सब साथ में करते थे पूरा 30 दिन कार्तिक का, और वहीं से शुरू हुआ डेली जपान श्रीमद् भागवतम, ये सबके जी आजम से, आप सबके जी आजम से, जो अभी भी चल रहा है अनइंटरप्टेड, किसी एक दिन भी बंद नहीं हुआ है पिछले 7 महीने से। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, स्पेशली वर्चुअल स्पेस में, जहाँ पे आजकल लोग कहाँ मीटिंग में नहीं जाना चाहते, बट आप सब लोगों की एंथुजियाज्म से पिछले 7 महीने से हम लगातार विदाउट फेल, एक दिन का भी गैप नहीं हुआ, हमने चैंटिंग किया है, भागवत रीड कर रहे हैं, हमने गीता मैराथन भी किया, बहुत सारे आप लोगों ने भगवत गीता के बुक्स डोनेशन दिए, भगवत गीता लोगों से डोनेट करवाया, और रिसेंटली हमने शुरू किया है वैष्णवी संगा ग्रुप, जिसमें मदर्स के लिए, माता जी के लिए एक स्पेशल स्पेस, सेपरेट स्पेस, जिसमें आप अपने प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स, डिस्कशंस, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके, वो भी हमने शुरुआत किया। तो बहुत कुछ किया हमने एक्चुअली पिछले 1 साल में। और अगर हम डिटेल में जाएं तो सोशल मीडिया, हम ज्यादा एक्टिव नहीं थे सोशल मीडिया में, क्योंकि हमारे पास कोई करने वाला नहीं था, देख रहे हो 6-7 लोग मिलके, मोस्टली 5-6 लोग मिलके ही पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं, राइट। तो सोशल मीडिया मोस्टली हम यूट्यूब पे एक्टिव थे और कभी कभी फेसबुक पे, बट हमारा इम्पैक्ट आप देखोगे यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब में हमने अभी तक 405 वीडियोज हमने बनाए, सब सब पूरा लाइव जो भी हम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और उसको करीब 6.5 लाख लोगों ने देखा, तो 6.7 लाख पीपल, लाइक टाइम्स वॉच नॉट पीपल, और टोटल घंटों में देखो 13,000 घंटे लोगों ने वॉच किया, विच इज इक्विवेलेंट टू 550 दिन। तो हमने 1 महीने के प्रोग्राम को इतना ज्यादा लेवल, सॉरी 1 साल का भी नहीं, 10 महीने, अगर मई से देखो तो लाइक मई टू जनवरी फरवरी, राइट। और 5,000 सब्सक्राइबर्स ने करीब करीब वहाँ पे फेसबुक पेज के, हमारे 2,900 फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे हम ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लिंक्डइन है, वेबसाइट भी है हमारी, बट बहुत ही ज्यादा एक्टिव नहीं है वेबसाइट। और पूरा सोशल मीडिया का जो प्रोग्राम था वो मैं और मेरी वाइफ दोनों मैनेज करते थे, मोस्ट ऑफ टाइम स्पेशली एडवर्टाइजमेंट, कोर्स का एडवर्टाइजमेंट, तो ये सब मोस्टली 2 लोग मैनेज कर रहे थे, बट ये काम हमें अब आगे बढ़ाना है, और हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, डिजिटल स्पेस में हम काम करते हैं, वर्चुअल प्रीचिंग कर रहे हैं, तो हमें सोशल मीडिया प्रेजेंस और उसके थ्रू ही हम प्रीच कर पाएंगे, राइट। तो अब आपको ये विश्वास नहीं होगा, मैं जब ये लिस्ट बना रहा था कि हमने कितने फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट किए, तो मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि हमने अभी आप देखोगे करीब करीब 11 फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट किए पिछले 7 महीने। जन्माष्टमी हमने सेलिब्रेट किया, शिला प्रभुपाद का पेरेंट्स डे, श्राद्धाष्टमी, पुरुषोत्तम मंथ हमने, कार्तिक मंथ पूरा 60 दिन का ये सेलिब्रेशन, हमने पूरा भगवत गीता पढ़ा एक साथ 4-5 घंटे में, इस साल गीता जयंती पे हमने गीता महायज्ञ करवाया जो इस्कॉन भाईंदर में हमारा हुआ था, आप सब लोगों ने सपोर्ट किया था, मुझे तो वहाँ पे दीप भक्तों ने गीता महायज्ञ किया। गीता मैराथन में, बिलीव नहीं करोगे, गीता मैराथन में हमने करीब 40,000 रुपीज के बुक्स डोनेट किए सबने मिला के, और टोटल करीब 80,000 रुपीज हमने डोनेशन दिए हैं सब डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स जो हुए मंदिरों को डिफरेंट जगहों पे, और हमने दिवाली भी साथ में सेलिब्रेट किया था, और रिसेंटली हमने राम नव टेम्पल ओपनिंग जो था अयोध्या में, हमने 2 दिन का प्रोग्राम हमारा था सेलिब्रेट किया। तो मैं ये देख के लग रहा था कि ये तो पूरा मतलब लाइक अ फुल टेम्पल प्रोग्राम हम जो कर रहे हैं, इट्स टू मच अगर आपको ऐसे देखो, बट पता नहीं कैसे गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, और आप सब लोगों का एंथुसियाज्म हम ये सब कर पा रहे हैं, और ये सब की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है, उसमें आप सब लोग पार्ट हो। तो मुझे कल मैं जब ये रिपोर्ट बना रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मोस्टली फेस्टिवल्स में कह लो कोऑर्डिनेशन 3 लोग ही कर रहे थे,
मैं और पौर्णिमा प्रभु और प्रिया प्रभु अब अभी जाएंगे करंटली चल क्या रहा है। तो हमारी चार एक्टिविटीज नित्य सेवा हो गई है, कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं चार एक्टिविटीज। पहला हमारा डेली जपा और श्रीमद भागवतम जो हम रोज करते हैं सवेरे 6:30 बजे इंडिया टाइम, 6:30 से करीब 7:45 तक जाता है, 7:30 तक 7:45 तक। तो इसके कोऑर्डिनेटर लीड हैं पौर्णिमा प्रभु और मैं भी कभी कभी सपोर्ट करता हूँ। दूसरा हम जो कर रहे हैं वीकली प्रोग्राम हमारा है वो डिग्री कोर्स है जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश में 2 सेशंस होते हैं। इंडिया टाइम 9:30 मॉर्निंग संडे को सवेरे 9:30 बजे और इंग्लिश में शाम को 9 बजे। हर हफ्ते हम ये कर रहे हैं और अभी हम दूसरा चैप्टर लगभग खत्म कर चुके हैं, तीसरे में जा रहे हैं भगवद गीता का। हम वहाँ पे श्लोक बाई श्लोक पढ़ते हैं डिटेल में। और फिर तीसरा प्रोग्राम जो चल रहा है वर्चुअल फेस्टिवल सेलिब्रेशन, जो भी फेस्टिवल्स आते हैं हमारे पास समय है तो हम जरूर कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको कोऑर्डिनेट करता हूँ मैं और मेरी वाइफ। और तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेशन बहुत मेहनत होती है क्योंकि आपको प्रोग्राम डिसाइड करना है, आपको स्लाइड्स बनाना है क्योंकि ये वर्चुअल है, फिर लोगों को एक्टिविटीज भी बनानी है, फिर लोगों को गिफ्ट्स भी हम कुछ इनकरेज करने के लिए भेजते हैं। तो ये एक वर्क तो चौथा जो अभी शुरू हुआ है जस्ट लास्ट सेशन पिछले महीने कि हम ट्राई कर रहे हैं कि हम बहुत सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो माता जी हैं तो उनके लिए और हम एक वैष्णवी संघा ग्रुप शुरू किए हैं और उसका कोऑर्डिनेशन अभी तक प्रिया गोपी माता जी अकेले कर रही हैं और इसमें और लोगों को बहुत सारे लोगों की एक्चुअली सारे प्रोग्राम में लोगों की ज़रूरत है। अब हम आगे देख रहे हैं, आगे हम क्या करने का सोच रहे हैं। तो आप सब लोग क्योंकि बहुत सारे लोग सिंसियर हैं और डेडिकेटेड हैं तो हम नहीं चाहते कि आप सिर्फ काइंड ऑफ स्टैटिक फील हो कि हाँ हम रोज जाते हैं चैंटिंग करते हैं भागवतम पढ़ते हैं आगे क्या। तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं डिटेल में जानने के लिए, जैसे वैष्णव सदाचार क्या है, कुकिंग कैसे करें, घर पे कैसे रहें, फैमिली कैसे मैनेज करें, लोगों चीज़ों को हम कैसे भक्ति इस जीवन में करें जबकि हमारी लाइफ बिजी है, हम अपने परिवार को चला रहे हैं, प्रोफेट जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, कैसे जिंदगी को चला। तो उसके लिए हमने ये सोचा है, प्रपोज कर रहे हैं कि हम एक DOT डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करें जिसमें जो लोग, उसका मैं बताने वाला हूँ डिटेल क्या है, बट अभी के लिए आप जानो कि ये उन लोगों के लिए होगा, बहुत लिमिटेड लोगों के लिए, जिसमें हम वीकली मिलेंगे और कुछ स्पेशल गेस्ट मतलब बुलाएंगे। आप उसमें काइंड ऑफ आपको एक डिटेल इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग वैष्णव लाइफ क्या होती है कैसे मैनेज करें, ये सब पे डिस्कशंस होंगे और ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए होने वाला है, सबके लिए ओपन नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सिंसियर लोगों की जरूरत है। हाँ, तो दूसरा हम शुरुआत कर रहे हैं कि भगवद गीता का क्या होता है, बैच खत्म हो जाता है 1 महीने में सेशन, बट फिर 5 महीने के गैप, 5 महीने हम चैंटिंग करते हैं भागवतम पढ़ते हैं बट कुछ और होता नहीं। बट हम अपनी जिंदगी में पता है बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे चैलेंजेस हम फेस करते हैं जो डायरेक्ट भागवतम में इस डिस्कशन नहीं है, तो उससे रिलेटेड हम सोच रहे हैं वेबिनार और वर्कशॉप शुरू करें स्पेसिफिक टॉपिक्स, वो बाई वीकली या कभी ऐसा करें सैटरडेज को कि स्पेशल गेस्ट्स को बुलाएं, एक्सपर्ट्स को बुलाएं और वो लोग वेबिनार और वर्कशॉप समय दे। उससे 2 चीज़ें होंगी, पहला तो हमें कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा जो मुझे नहीं आता, जो पौर्णिमा प्रभु को नहीं आता, दूसरा आपको उनका संग भी मिलेगा क्योंकि सीनियर DOTs आएंगे, उनको आपको 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा, लिमिटेड लोगों के लिए ये सब चीज़ें होंगी तो इससे हमारा डेवलपमेंट होगा, पढ़ेगा राइट, और आप सभी भक्ति में आगे बढ़ोगे। तीसरा हमें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील हो रही है कि हमें एक डेडिकेटेड आउटरीच टीम चाहिए स्पेशली सोशल मीडिया आउटरीच और ये सब स्पेस में, क्योंकि हम बहुत कुछ करते हैं बट बाहर उसका उसका कुछ विजिबिलिटी नहीं है, दिखता नहीं, तो ये हमें अब बिल्ड करना ही पड़ेगा डेडिकेटेड आउटरीच टीम। और चौथा जो मैंने बताया वैष्णवी संघा ग्रुप शुरू हो रहा है तो उसमें बहुत सारा एक्टिविटीज है और प्रोग्राम्स हैं जो आप सब लोग कर सकते हो। पांचवा जो है जो हम प्लान कर रहे हैं कि हम अपने ग्रुप का एक साल में एक बार रिट्रीट प्लान करें इंडिया में किसी
किसी स्थान पे, चाहे वो वृंदावन हो, मायापुर हो, पुरी हो, अयोध्या हो, कहीं पे भी हो, हम सब साथ में जाएं करीब एक हफ्ते के लिए कुछ ऐसा कुछ, और सब साथ में रहेंगे, साथ में धाम जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। तो इसका प्लानिंग इस साल का चल रहा है 2024 का, और हम उस पर पौर्णिमा प्रभु बाद में बात करेंगे डिटेल में, सेपरेट सेशंस में कि कहाँ पे कैसे कहाँ जाना है। और चौथा जो हमारा काम है, वेबसाइट हमें बनाना है, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू ही विजिबिलिटी आनी है, क्योंकि बहुत कुछ कर रहे हैं बट वेबसाइट पे कुछ नहीं है, इधर उधर यूट्यूब पे इधर उधर फेंका हुआ है, उसको कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट का काम इस साल का टारगेट है, हम करेंगे। तो ये पांच छह नई चीजें हैं, चार पांच चीजें जो हमें करना है। अब आते हैं पहला पहला जो प्रोग्राम है जो आप सबके लिए है, ये आप सबके लिए डिजाइन किया जा रहा है, 6 महीने का डीओटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये किस किसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है कि आपको इंडस्ट ट्रेनिंग मिले, सपोर्ट मिले, और ये उन्हीं के लिए है जो आगे भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और आगे उनको गुरु एक्सेप्ट करना है और उनको दीक्षा लेनी है इस्कॉन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे गुरुज हैं, बहुत कुछ है, तो हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, बट जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग आगे भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, गुरु का आश्रय लेना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम है, 6 महीने का प्रोग्राम है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने कम से कम भगवत गीता सर्टिफिकेट कोर्स किया है, आप जपा करते हैं और भागवतम क्लास में कम से कम 3 महीने से आप आ रहे हैं, और आपको 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा इस प्रोग्राम में आने के लिए, और कम से कम 6 राउंड आपको चैंटिंग करना पड़ेगा, और एस्पायर होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए कि आप आगे जाके आप गुरु को एक्सेप्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कथा सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है, बहुत कुछ अच्छा लगता है, चैंटिंग अच्छा लगता है, लेक्चर अच्छा लगता है, बट उसका कुछ मतलब नहीं होगा अगर भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम आप किसी गुरु का आश्रय नहीं ले रहे, शरण नहीं ले रहे, राइट। तो इसका कैरिकुलम क्या होने वाला है, क्या होगा इस? तो जैसे मैंने बोला, ये डेडिकेटेड क्लास होगी लिमिटेड लोगों के लिए, बहुत ही डिटेल डिस्कशन होगा डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वैष्णव लाइफ विद सीनियर डीओटीज। इसमें आपको 1-to-1 गाइडेंस होने वाला है, आप किसी भी गुरु से दीक्षा ले सकते हो इस्कॉन में, ऐसा नहीं है कि आपको मेरे गुरु से या कि पौर्णिमा प्रभु के गुरु से, किसी भी गुरु से वर्ल्ड वाइड जो इस्कॉन से ऑथराइज है उनसे आप दीक्षा ले सकते हो। तो ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है कि हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। तीसरा जो पॉइंट है, हम इसमें संस्कृत भी सिखाएंगे और श्लोकों को याद करने का प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें होगा कि आप सबसे पहले श्रील प्रभुपाद का आप लोगे शरण, और उनके थ्रू आप भक्ति करोगे 6 महीने तक, फिक्स नंबर ऑफ, कभी कभी हम क्या बोलते हैं कि अरे हम कभी चैंटिंग करते हैं कभी छूट जाता है, तो इसलिए छूटता है क्योंकि हम किसी को प्रॉमिस नहीं दिए, हमने किसी को बोला नहीं, तो जब हम प्रभुपाद को बोलते हैं तो हमें हो जाता है, नहीं मैंने बोला है मुझे माला करनी है, राइट, मुझे 4 नियमों का पालन करना है। 4 नियम का पालन ये है कि नो मीट ईटिंग, कोई मांस मदिरा ये सब नहीं खाना, पराई स्त्री से संबंध नहीं, जुआ हुआ नहीं खेलना, ये सब चीजें जो नियम प्रभुपाद ने बनाए हैं वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, और कम से कम एक सेवा आपको लेनी पड़ेगी, कुछ एक सेवा जो हम ये प्रीचिंग कर रहे हैं, आप कुछ एक सर्विस आप लीड लीजिए, आप करिए, ये जरूरी है क्योंकि तभी आपको जाके कुछ स्वाद आएगा भक्ति में, सेवा नहीं करेंगे तो कुछ स्वाद नहीं आने वाला। और 6 महीने के बाद आपको किसी, अगर आप रेडी हैं तो आपको किसी इस्कॉन स्पिरिचुअल मास्टर का शेल्टर लेना चाहिए, ऐसा हमारा रिकमेंडेशन है, और अगर आपकी बहुत आप इंस्पायर्ड हैं तो आपको हम, अगर आप किसी गुरु का शरण लेना चाहते हैं, उनसे अप्रोच करना चाहते हैं, उनसे आप बात करना चाहते हैं, तो हम आपको उसमें भी मदद करेंगे, उनसे अप्रोच करके उनसे कांटेक्ट करवा के आपको मीट करिए आप उनसे, और आगे आप अपने भक्ति में आगे जाइए। तो हम इस प्रोग्राम का जो पर्पज है कि हम जो लोग सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं, उनको मदद करें आगे जाने के लिए, ना कि हम आपको यहाँ पे रोक के रखें कि नहीं आप बस इतना ही करिए और कुछ नहीं, आप हमारे साथ पढ़ रही, नहीं आप भी आगे जाके हमारी तरह बनिए, आप भी आगे जाके जैसे जगदीश प्रभु बोल रहे थे और आप सब लोग करते हैं, कि आपका जो पर्पज होना चाहिए कि मैंने जो सीखा है दूसरों को बताना है, तो उसका एक तरीका है
उसका एक रास्ता है करने का ना, जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं तो टीचर बनने का एक क्वालिफिकेशन, तो ये प्रोग्राम है आपको उसमें हेल्प करे कि आप कैसे आगे जा सकते हैं, राइट। और आप खुद से शुरू कर सकते हैं एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम इसी में हमारे साथ, या फिर आप खुद ही भी करना चाहते हैं। अब आपसे क्या मदद की जरूरत है, तो हमें चाहिए बेसिकली अभी दो तीन चीजें आने वाले मंथ्स में होने वाली है। हमारा प्लान है कि अगस्त में हम भगवत गीता सर्टिफिकेट कोर्स जन्माष्टमी से पहले खत्म करें, बैच 3, ओके। क्योंकि समर ब्रेक होगा, छुट्टियां होंगी, लोग मई जून जुलाई में छुट्टियां में रहते हैं, तो हमारा प्लान है कि हम अगस्त से पहले इस कोर्स को खत्म करें। साल में 2 बार भगवत गीता कोर्स हमेशा चलने वाला है, ये गुरु महाराज का हमारे ऑर्डर है कि रिपीट करते रहो, नए लोगों को जोड़ते रहो। फिर दूसरा है कि वेबिनार वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, यूट्यूब जो चैनल है उसको मैनेज करना, स्पेशली जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन है एडिट करना, हैशटैग्स डालना, पब्लिश करना। चौथा है वेबसाइट मैनेजमेंट, वेबसाइट को अपडेट करना, वेबसाइट को रेगुलरली एटलीस्ट वंस इन अ वीक उसको अपडेट करना, जो नए प्रोग्राम्स हुए नए लिंक्स को डालना वेबसाइट का काम है। वीडियो एडिटिंग, एडिट करना वीडियोज को, उसके रील्स बनाना, छोटे वीडियोज बनाना, ये सेवा है। फ्लायर है, गूगल फॉर्म डिजाइन करना नए प्रोग्राम्स के लिए, जैसे वर्कशॉप है या सर्टिफिकेट कोर्स है, और क्विज बनाना, क्वेश्चंस बनाना और उसको इवेल्युएट करना। आजकल ऑटोमेटिक इवेल्युएशन हो जाता है, आपको कुछ करना नहीं है, मार्क्स असाइन हो जाते हैं। और सर्टिफिकेट प्रिंट करना और लोगों को तो भेजना सर्टिफिकेट उनके। और चौथा सेवा है कि जब कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उसमें हमें लोग लीड की जरूरत है कि आप फेस्टिवल को प्लान करो कि क्या क्या होने वाला है। कोर्स हमारे साथ सब लोग बैठ के ही हम डिस्कस करेंगे क्या करना है, कैसे करना है, उसको कंडक्ट करिए फेस्टिवल्स को। 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम होता है, और फिर कुछ लोगों को हमें प्राइज देना है तो उनको हमें ऑर्डर कर देना होता है। फाइनेंस हम देंगे आप पैसे का, जो भी गिफ्ट ऑर्डर करना है भेजना है, बट वो एक सेवा होती है कि भेजने का। जैसे अभी अखिल प्रभु ने सबको कैलेंडर्स भेजा, तो अखिल प्रभु, पौर्णिमा प्रभु और बहेंद्र की टीम ने आप सभी को करीब 25-30 लोगों को कैलेंडर्स पोस्ट किया, तो बहुत बड़ा सेवा था वो, एक एक कैलेंडर का एड्रेस डालना, लिखना, भेजना। और प्रोग्राम्स में मॉडरेटर्स की जरूरत है, क्योंकि प्रोग्राम्स ओवर टाइम चले जाते हैं, स्पीकर बोलते रहते हैं, तो मॉडरेटर्स की भी हमें जरूरत होगी। तो जो लोग आप लोग बोलने में अच्छे हैं, आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम्स को, तो ये रहेगा। तो आप ये है कि किसी का कुछ प्रश्न हो तो वो उसको मैं ले सकता हूँ। और उसके बाद मैंने एक सीट बनाया है, एक्सेल सीट, जिसमें ये सब टास्क हैं, उसका डिटेल भी है। और आप, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है राइट, ये एक्सेल सीट का? यस प्रभु जी, एक्सेल प्रभु का सीट तो नहीं, नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है। यस प्रभु जी, प्रेजेंटेशन दिख रहा है। ओके, प्रेजेंटेशन प्रभु जी, यस अभी दिख रहा है प्रभु जी। यस, थैंक यू मिस। सो तो इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, टास्क है, स्टार्ट डेट है, कब से ये शुरू होने वाला है। अगर स्टार्ट डेट क्लियर नहीं है तो 2024 लिखा हुआ है, साल लिखा हुआ है। टास्क का डिटेल है, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स में क्या है, ईमेल कम्युनिकेशन, फ्लायर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वेबसाइट, आउटरीच वीडियोस, राइट अप रेडी फॉर आउटरीच, जो ब्लॉग लिखते हैं। तो अभी तक तो मैं और पौर्णिमा प्रभु इसको हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे, बट मैं तो इन्वॉल्व रहूंगा, आई एम देयर ऑलवेज देयर, बट आई नीड समवन मोर, क्योंकि ये हमेशा सेवा होने वाला है, एवरी 6 मंथ हम ये करने जा रहे हैं। तो दूसरा है वेबिनार्स और व्हाट्सएप ऑर्गेनाइज करना। इसमें है कि सबसे पहले टॉपिक आइडेंटिफाई करो, उसका स्कोप क्या होने वाला है, स्पीकर कौन रहेगा, उनको स्पीकर को ईमेल करना है, रीच आउट करना है, उसको ऐड कैसे बाहर भेजना है, लोगों को कैसे रजिस्टर कराना है, राइट। हाँ, और फिर उसको इवेंट को जो भी होगा वर्कशॉप या वेबिनार उसको हमें कंडक्ट करना है, जैसे जूम लिंक बनाना, उनको भेजना है स्पीकर्स को, इन स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करना और पूरे इवेंट को कंडक्ट करना, फिर फीडबैक लेना और सर्टिफिकेट्स भेजना अगर सर्टिफिकेट है तो। चौथा है, तीसरा है यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट, वो भी एक काम है, बहुत सारा वीडियोज हमने 400 वीडियोज बनाए हैं, बट
वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो वो सेवा है करने का। उसमें आपको वीडियो एडिटिंग नहीं जानना है, आपको सिर्फ टेक्स्ट जानना है कि डिस्क्रिप्शन लिखना, टैग्स डालना, पब्लिश करना। वेबसाइट मैनेजमेंट है, वेबसाइट में तो आप जो लोग होंगे उनको पता ही है, तो मैं इसमें डिटेल नहीं दे रहा। हाँ, बट अभी पवनिमय प्रभु वेबसाइट डेवलप करने का काम शुरू कर रहे हैं, और पर उसके बाद मेंटेनेंस का मेन चीज होता है। आपने एक बार डेवलप कर दिया, बट मेंटेनेंस, तो जो भी मेंटेनेंस में सेवा देना चाहते हैं तो अभी से पवनिमय प्रभु के साथ डेवलपमेंट में काम करेंगे, तो उन्हें पता होगा कि क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं। वीडियो एडिटिंग ये भी सेवा है, अगर आपको इच्छा है और आप चाहते हो करना बट आपको नहीं आता है तो आप सीख सकते हो, ठीक है, इतना कुछ कठिन नहीं है वीडियो एडिटिंग सीखना। और हमारा कोई ऐसा नहीं मूवी बना रहे हैं हम एडिटिंग कर रहे हैं, बहुत सिंपल एडिटिंग होता है। गूगल मतलब फ्लायर्स बनाना, जो इवेंट होता है उसका हम फ्लायर भेजते हैं, इंफॉर्मेशन क्या क्या है, कैसे हो रहा है, और उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, तो वो एक डेडिकेटेड सेवा है कि कोई लीड लेना चाहता है तो अच्छा रहेगा। और तो आप देखोगे कि ये जो छोटे छोटे जो सेवाएं हैं ये इसमें मैच भी हो रहा है, जैसे अगर मुझे सर्टिफिकेट कोर्स के लिए वीडियो चाहिए, गूगल फॉर्म चाहिए, फ्लायर चाहिए, तो मैं इन लोगों के पास जाऊंगा जो लीड है यहाँ पे, कि हाँ आप क्या आप ये करके दे रहे हो, कैसे करके दे रहे हो, तो ये डिटेल मेरे से आएगी, आपको सिर्फ करना है। ऐसे ही क्विज डिजाइन करना, क्वेश्चन और उसका उसका इवेल्युएशन करना और उसको उसको एनालाइज करके रिजल्ट भेजना। तो अभी तक पवन पुत्र प्रभु कर रहे थे और वो करेंगे, बट उनको हेल्प की जरूरत है, कम से कम एक दो लोग और साथ में रहेंगे तो अच्छा है। और वर्चुअल फेस्टिवल सेलिब्रेशन, मैं बैकफुट लेना चाहता हूँ, कोई और अगर साथ में आए और करे तो अच्छा रहेगा। तो वर्चुअल फेस्टिवल सेलिब्रेशन जिसमें फेस्टिवल का प्लानिंग मैं पीछे हो सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि कोई उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करे, मैं ऑफकोर्स सपोर्ट करूँगा, बट ये ओपन है। डीओटी डेवलपमेंट प्रोग्राम मैं और पवनिमय दास प्रभु करने वाले हैं, बट इसमें और भक्तों की ज़रूरत है, स्पेशली सीनियर डीओटीज का, क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और एक्सपीरियंस्ड लोगों की ज़रूरत है इसमें। आउटरीच टीम मैं सेटअप करने में हेल्प कर सकता हूँ। तो आउटरीच टीम बेसिकली क्या है? आउटरीच टीम यही सब लोग हैं जो आउटरीच के पार्ट हैं, जो लोग यूट्यूब मैनेज कर रहे हैं, वेबसाइट, सोशल मीडिया और ये सब, और सोशल आउटरीच में सोशल मीडिया भी आ जाता है कि बेसिकली पोस्ट करना, उसको शेड्यूल कर। वैष्णवी संगा ग्रुप अभी तक प्रिया गोपी माता जी कर रही हैं, बट उनको भी लोगों की ज़रूरत है हेल्प। तो जो भी लोग आप में से मदद करना चाहते हैं, उनके साथ साथ में प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इसमें बोलिएगा। और जो हमारा 13th का हेल्प कर रहेगा एनुअल रिट्रीट, कल में एक बार हम धाम में जाएं, तो पौर्णिमा प्लान करेंगे, लीड करेंगे, और वेबसाइट का जैसे मैंने बताया पौर्णिमा दास प्रभु। बट इस सब में हमें सबसे पहले आज का जो पर्पज है, कोई लीड हमें चाहिए, जो आपको शायद आपको नहीं आता होगा या आपको पता नहीं कैसे करना, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपकी इच्छा है तो हम आपको सीखने में करने में मदद कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक्सपर्ट्स नहीं खोज रहे हैं कि आपको आना ही चाहिए तभी आप शुरू करो। अगर आपको लगता है कि आपके पास बेसिक नॉलेज है और आपके पास टाइम है और आपका इच्छा है, तो फिर आप इसमें लीड ले सकते हो। इसमें से अगर तीनों मिसिंग है या एक भी मिसिंग है तो कठिन हो जाएगा। इच्छा है पर समय नहीं है, समय है पर कुछ नहीं आता है, तो तीनों रहेगा तो आप कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा, तो अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप डायरेक्ट पूछिए, और उसके बाद मैं फिर स्क्रीन शेयर करूंगा और ये लिंक भी डालूंगा, तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो पौर्णिमा प्रभु भी शायद ज्वाइन कर चुके हैं, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु। आवाज आ रही है मेरी प्रभु जी? यस हाँ जी आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा, तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का जुड़ने के लिए। तो गुरु महाराज आए हुए हैं, वो भक्ति व्रत भागवत स्वामी महाराज, उनसे मतलब वो स्पेशल उनका मीटिंग था, और
सुबह ट्रांसलेशन का भी वो सेवा है महाराज ने दिया है, निरोड़ मंदिर में भागवतम क्लास देने वाले, थोड़ा लेट हो गया। एनीवे तो एक्चुअली ये बहुत सुंदर प्लान बनाया है प्रभु जी ने और हमको सबको आगे बढ़ना चाहिए। असली में हम सब जो है भक्ति से अभी भक्ति सिद्धांत सुधीर ठाकुर महाराज का आविर्भाव तिथि भी था, तो मैं थोड़ा बहुत बीच में शायद कहीं तो जोड़ रहा था। असली में भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे कि हम सब असली में श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमारा ये जो प्रचार का भाव है वो है श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। कुछ लोग लेट में ज्वाइन किए हैं जैसे तुष्टा प्रभु हैं और थिंक सैम प्रभु हैं। कुछ कौन से लोग हैं जो अभी रिसेंटली आपने ज्वाइन किया आपको पता नहीं है क्या? हमने हमारे बच्चा का नाम है तो मैं ही हूँ अखिल्या, मेरा बच्चा का नाम है। मुझे आपके बच्चे के लिए गिफ्ट भेजना था, वो उस दिन उसने गाया था बट मैं खोज रहा था तुष्टा को, मैं ग्रुप में सर्च किया, व्हाट्सएप पे सर्च किया, कहीं नहीं पता लगा। अच्छा अभी है, आप भी है। ओके थैंक यू प्रभु। सैमसंग नाम से कोई है? हरे कृष्णा। आई नो हरे कृष्णा, ये सैमसंग SMX, आप अपना नाम और आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं आप बताएंगे हमें? जी मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। यस बिल्कुल जी, वहां समाप्त। हरे कृष्णा। हाँ यस यस। तो मैं सॉरी, कोई नहीं, सॉरी सॉरी। तो जो लोग ज्वाइन किए लेट में उनको मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या डिस्कस किया, जिससे कि सबको एक हो जाए कि अभी लास्ट का आपने सुना है। फटाफट मैं बताऊंगा। तो हमारी जो जर्नी है पिछले 10 महीने की, 9 महीने की इनफैक्ट, हमने मई 2023 में शुरू किया हमारा फर्स्ट भगवद गीता कोर्स और जून से अगस्त तक हमने 2.5 महीने वो कोर्स कराया। 2500 लोगों ने रजिस्टर किया था और करीब 1000 लोगों ने उसको कम से कम अटेंड किया। 300 लोगों ने तो 18 के 18 सेशन अटेंड किए और हमारे 18 इंटरनेशनल गेस्ट भी थे उस प्रोग्राम में। फिर हमने करीब 6 महीने बाद, 7 महीने बाद हमने दिसंबर में सेकेंड बैच कराया और फिर इसके बीच में बहुत कुछ हुआ और अभी आज हम मार्च में हैं, ज़्यादा दूर नहीं। तो हमारा जो ये पहला बैच था भगवद गीता का बहुत ही सक्सेसफुल रहा, उसमें से आप बहुत सारे लोगों ने जुड़े थे तो मैं सबको थैंक यू बोल रहा था यहाँ पे। और फिर दूसरा बैच हमने किया जिसमें एडवर्टाइजमेंट हम उतना नहीं कर पाए, 800 लोग ही ज्वाइन किए थे और करीब 120 लोगों ने ओवरऑल, मतलब करीब 200 लोगों ने कम से कम एक या दो सेशंस किए, 66 लोगों ने 18 सेशंस ज्वाइन किए। और टीम सेम रही, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था और साथ में बीच में बहुत कुछ किया हमने। बीच में जब फर्स्ट बैच से सेकंड बैच के बीच में हमने बहुत सारा वर्चुअल फेस्टिवल सेलिब्रेशन हुआ, हम 30-day चैंटिंग चैलेंज किए, डिग्री कोर्स लॉन्च किया, पुरुषोत्तम मंथ सेलिब्रेशन किया, कार्तिक मंथ सेलिब्रेशन, ये सब 30-30 दिन के प्रोग्राम्स चल रहे थे। और हमने जो सबसे बड़ा काम किया, डेली जपा और श्रीमद भागवतम रीडिंग, हाँ डेली हम पिछले 7 महीने से विदाउट फेल कर रहे। और हमने गीता मैराथन किया जिसमें हम भगवत गीता का प्रचार प्रसार, बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब का काम किया। और वैष्णवी संघा ग्रुप हमने शुरू किया माता जी के लिए। सोशल मीडिया इम्पैक्ट जो हमारा रहा यूट्यूब पे मोस्टली रहा है, यूट्यूब पे हमने 405 वीडियोस बनाए पिछले 7 महीने में, व्यूज करीब साढ़े छः लाख लोगों ने व्यू किया, 6.5 लाख टाइम्स व्यूज आए उसमें, 13,000 घंटों तक लोगों ने देखा है और 5,000 सब्सक्राइबर्स हैं। एक्चुअली हमने ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला इसमें और इसमें बहुत एफर्ट की ज़रूरत है बिकॉज हमारा वर्चुअल प्रीचिंग है, अगर हम वर्चुअली एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमारा प्रीचिंग इफेक्टिव नहीं, हम अपने में ही रह जाएंगे, हम भजनानंदी हो जाएंगे, हम खुद तो कर रहे हैं बट बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। हमारा प्रेजेंस फेसबुक पे भी है, करीब 2900 फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे भी है और हमारा एक वेबसाइट छोटा सा है, अभी तक कुछ ज्यादा हम नहीं करते उसमें।
तो मोस्टली मैं और मेरी वाइफ प्रिया गोपी इसको पूरा एफर्ट्स मैनेज कर रहे थे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, पति ये अलोन बहुत कट, जैसे मैंने बताया लास्ट में कि कितना काम होता है। और ये स्लाइड देख के मुझे बहुत सरप्राइजिंग हुआ कि हमने 11 फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए, 11 फेस्टिवल्स मंदिरों में भी मुश्किल हो जाता है। तो हमने करीब जन्माष्टमी, प्रभुपाद का अपीयरेंस डे, राधाष्टमी, पुरुषोत्तम मंथ, कार्तिक मंथ, गीता पूरा पढ़ना, गीता महायज्ञ हमने किया भयंदर में, गीता मैराथन किया, करीब 40,000 रुपये की बुक्स हमने, करीब 400 बुक्स समझो, करीब 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 मैंने 250-300 बुक्स हमने डोनेट किया, दिवाली सेलिब्रेशन और 2 दिन का राम टेम्पल सेलिब्रेशन भी हमने किया, बहुत कुछ हमने साथ में किया। अभी जो बोल रहा था मैं, करंटली में 4 चीजें चल रही हैं हमारे ग्रुप में। पहला है डेली जपा और श्रीमद भागवतम जो पौर्णिमा प्रभु लीड कर रहे हैं मोस्टली और मैं सपोर्ट करता हूँ। डिग्री कोर्स जो हम कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, वर्ड बाय वर्ड हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता साथ में, संडे को मॉर्निंग में और संडे इवनिंग हिंदी और इंग्लिश में होता है अलग अलग। वर्चुअल फेस्टिवल सेलिब्रेशंस मोस्टली पौर्णिमा प्रभु, प्रिया गोपी, मंत जी और मैं कोऑर्डिनेट करते थे। और वैष्णविक संघा ग्रुप अभी एक सेशन हुआ है लास्ट मंथ, प्रिया गोपी मंत जी ने उसको कंडक्ट किया है, इसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है। तो फ्यूचर प्रोग्राम में जो मैं बोल रहा था कि हमारा जो प्लान है कि हम आप सबसे पहले हम आपको इम्पावर करें, आपको मदद करें, तो DOT डेवलपमेंट प्रोग्राम कोर्स होगा जिसमें हम आपको मदद करेंगे कि आप कैसे भक्ति में आगे बढ़े, क्योंकि अगर आप भक्ति में आगे बढ़ोगे तो आप आगे जाके जैसा प्रभु बोल रहे थे प्रचार करोगे। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हम अपने डेली भागवतम या भगवदगीता में डिस्कस नहीं कर पाते, वो स्पेसिफिक टॉपिक्स होती हैं, तो उसके लिए हम सोच रहे हैं वेबिनार वर्कशॉप एक्सपर्ट्स को इनवाइट करें और 1 दिन का 2 दिन का हम प्रोग्राम करवाएं जिसमें आपको डिटेल में वो सिखाएं, आपको संघा भी मिलेगा, एसोसिएशन भी। तीसरा, हमें बहुत ज्यादा जो नीड फील हो रही है, आउटरीच टीम हमारे पास होना चाहिए डेडिकेटेड, क्योंकि ये वर्चुअल प्रीचिंग है और अगर हमारी आउटरीच टीम स्ट्रांग नहीं है, फोकस नहीं है, तो हम नहीं ज्यादा कर पाएंगे। वैष्णविक संघा ग्रुप माता जी के लिए है, आई थिंक वी नीड, बिकॉज 70% माता जी हैं हमारे जो सेशंस में आती हैं, तो उनका अलग प्रॉब्लम्स होता है, वो लोग अपना डिस्कस कर सकते हैं। हमारा आज विचार रहा है कि साल में एक बार कम से कम हम धाम जाएं सब लोग साथ में, एनुअल रिट्रीट करें। इस साल का प्लानिंग पौर्णिमा प्रभु शुरू किए हैं, अभी कुछ फाइनल नहीं है, बट वो डिटेल आने वाले मंथ में देंगे कैसे है क्या है। और वेबसाइट हमें अपना बनाना है, अप टू डेट रखना है, डेवलप करना है, क्योंकि हम इतना काम करते हैं पर उसका विजिबिलिटी वेबसाइट के थ्रू ही हो सकता है। हमारा जिंदगी इजी हो जाएगा आउटरीच का अगर हमारी वेबसाइट अपडेटेड रहेगी, चीजें रेडी और प्रोफेशनल तरीके से हम करेंगे। मैं बोल रहा था DOT डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो उसका एम है उन्हीं के लिए है, लिमिटेड लोगों के लिए है, जो लोग आगे सीखना चाहते हैं और आगे जाके वो दीक्षा लेना चाहते हैं इस्कॉन के बोनाफाइड गुरु से, और गुरुज का हमें पता नहीं, बट एटलीस्ट हम इस्कॉन में किसी भी गुरु से, ऐसा नहीं कि हमारे गुरु से या किसी, आप किसी भी गुरु से इस्कॉन में आप दीक्षा लेना चाहते हैं, ये प्रोग्राम आपके लिए है। इसका क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए कि आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है, आप जपत और भागवतम सेशन अटेंड करते हैं कम से कम 3 महीने से। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आपको 3 महीने करने के बाद भी आपको एंट्री इस कोर्स में एंट्री मिलेगी। आपको आपको 4 नियम पालन करना है और कम से कम 6 माला रोज जप करना है, क्योंकि 4 तो आप करते ही आए, तो 2 और करना चाहिए। और आपका इच्छा होना चाहिए कि आप एक जो जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर जो इस्कॉन रिकॉग्नाइज हैं, आप उनसे दीक्षा लेंगे। इसमें जो जो डिटेल मैं बता रहा था, जो लोग नए हैं उनके लिए, कि आपको डेडिकेटेड क्लासेस होंगी और स्पेशली वैष्णव लाइफ के ऊपर, कैसे लाइफ को मैनेज करें, कैसे कैसे हम आग भक्ति में आगे बढ़ें, संस्कृत हम सिखाएंगे, मेमोराइजेशन श्लोक का 1-to-1 गाइडेंस होगा, और सबसे पहले प्रभुपाद का शेल्टर लेके आप प्रैक्टिस करोगे 6 मंथ और फिर आप किसी गुरु का आप शरण लोगे। आपको कम से कम एक सेवा भी करनी है अगर आप इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें घंटों घंटों टाल रहे हैं, तो आप अगर सेवा नहीं करोगे तो आप फिर कथा सुन के चले जाओगे, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि ये मैंने लास्ट कथा में ऑलरेडी आप लोग ज्वाइन किए होंगे कि हमें हेल्प की जरूरत है बहुत सारी चीजों में। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है ऑप्शन फ्रॉम द सीट, मैंने चैट में डाल दिया है ऑलरेडी लिंक उसका, मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप
का नाम मैं डालूं, मैं टाइप करूं कर दूंगा। आपको क्या करना, अगर आप हैं तो आपको अपनी टीम को लीड करना है। ओके, शुरुआत के महीनों में मैं और पवनी माई प्रभु और जिस भक्त लोग हैं आपको मदद करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आगे जाके आपको खुद से उसको अपना फील कई वीकली ऐसे हफ्ते में एक बार मीटिंग करना है अपनी टीम से। मंथ में एक बार हमारा कोर टीम होगा जिसमें आप तो आप आगे अपडेट देंगे कि क्या क्या चल रहा है उस ग्रुप में, राइट। दो जरूरी है, पहली चीज क्योंकि हम दूर दूर हैं, हम साथ में नहीं, तो आप सेवा तभी लीजिएगा, आप कुछ ऐसा लीड अगर आप ले रहे हैं तो आप तभी लीजिएगा कि जब आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो बाकी चीजें स्ट्रगल करेंगी। तो ये आपका प्रॉमिस प्रभुपाद की तरफ है, भगवान की तरफ है, राधा रानी की तरफ है, हमारी तरफ कम हो उनकी तरफ आप प्रॉमिस करिए, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इससे बहुत सारे लोग और स्ट्रगल करेंगे। हम बड़ा बड़ा प्लान बनाएंगे बट तो एक्चुअली कुछ होने वाला नहीं, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, थोड़ा भी आपको है ऐसे दिल में कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आपको करना चाहिए। और फिर कैसे करना है, क्या मैनेज होगा, मैंने तीन चीजें जैसे मैंने आपको बोला, आपके पास समय होना चाहिए, आपका इच्छा होना चाहिए, राइट, और आपको थोड़ा तो आना चाहिए, थोड़ा मोड़ा, मतलब थोड़ा मोड़ा मतलब कि हाँ मुझे सीखना है, इतनी तो इच्छा होनी चाहिए, राइट। तो मैं यहीं पे एंड करूंगा बोलना, समय एक्सीड हो चुका है। तो स्क्रीन शेयर किया था क्या? हाँ प्रभुजी, शेयर डन। यस, सो किसी का कुछ प्रश्न है तो आप, कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज पूछ लीजिए अभी सबके लिए, हम सब डिस्कस कर लेंगे। और मैं स्क्रीन भी शेयर करके रखता हूँ, तो जिसको देखना है कि क्या क्या सेवा है, लास्ट में आए कि भगवत गीता हम अगस्त से पहले करने का प्लान कर रहे हैं, समर ब्रेक में, मे बी मई जून जुलाई, जून जुलाई इज द बेस्ट। तो मैं अभी तक लीड करता आया हूँ, मैं कंटिन्यू करूँगा लीड करना, बट मुझे साथ में लोगों की जरूरत है जो लीड करें, स्पेशली आउटरीच सेक्शन में। प्रोग्राम तो पौर्णिमा प्रभु मैं कंडक्ट करते ही हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, बट बहुत मेहनत है उसमें, क्योंकि हम करीब 3,000-4,000 लोगों को जोड़ना नॉट ईजी। अभी पिछले प्रोग्राम में हमारा 800 लोग ही ज्वाइन कर पाए, पर फर्स्ट में करीब 3 गुना ज़्यादा थे, राइट। तो ये है, तो मुझे 2 लोगों की और ज़रूरत है यहाँ पे। ये वन टाइम प्रोग्राम होता है क्योंकि 1-2 महीने में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर खाली हो जाते हैं। दूसरा है कि वर्कशॉप वेबिनार ऑर्गेनाइज करना, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है सीनियर भक्तों से अप्रोच करना, बात करना, जो जिनको आप सिर्फ यूट्यूब पे देखते हो आप उनसे पर्सनली मिल सकते हो, उनके साथ आप एक रिश्ता बना सकते हो। तो कनेक्शन लाना मेल हमारा और पौर्णिमा प्रभु का काम है, ईमेल करना वो सब हम मैनेज कर लेंगे, बट जो एक प्लान है कि ऐड करना, रजिस्ट्रेशन करना, जो रजिस्ट्रेशन टीम होगी वो करेगी, राइट। तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, सब लिखा हुआ है, तो आप लोग प्लीज आप लिंक में डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी चैट में गूगल फाइल का लिंक डाला है। अभी भी हम लोग इंटेंशन के हिसाब से चाहिए तो हैंड रेज करा के या बोल करके सेवाएं एलोकेट करना चालू कर सकते हैं। ये तभी का ही है, मैं अभी का ही बोल रहा हूँ। यस, हाँ अभी चालू कर, पहले से चालू करें, फर्स्ट मई से, फर्स्ट सेवा से। यस, तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, सबको दिखेगा मोबाइल में। टोटल कितनी सेवा प्रभु जी अपने यहाँ पे लिस्ट में? 10 ना? यस, कुछ चीजें कैसे वेबसाइट डेवलपमेंट तो आप कर ही रहे हैं, बट कोई और एक साथ में रहे जो आईटी के अगर कोई है जो वेबसाइट डेवलपमेंट एंड वेबसाइट मेंटेनेंस उससे शुरू करते हैं, तो कौन है जो मदद करना चाहते हैं, क्योंकि डेवलप तो हो जाएगा और मेंटेनेंस। ओके, सो वी हैव टू पीपल, पवित्रा माता जी। ओके, पवित्रा माता जी एंड ज्योति माता जी वांट्स टू मेंटेन, पर आप लोग लीड क्यों नहीं ले रहे हैं? से कुछ मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है कि अगर लीड में क्या है होना है। पवित्रा माता जी, प्रभु जी एक्चुअली वेबसाइट मैनेजमेंट वो सीखना पड़ेगा प्रभु जी, मुझे नया है
तो इसलिए हम मैं सोच रही हूँ 2-3 महीने सपोर्टिंग में रहूंगी, फिर वो प्रोग्रेस के बाद मैं लीड ट्राई करती हूँ. We have Pavan Nimai Prabhu as lead, and Pavan Nimai Prabhu, you have two people as your supporter. Okay. So Jyoti Mataji, okay. Okay. So I'll put you people as co-lead. Okay. So that basically Pavan Nimai Prabhu is leading, but you need to kind of create content, write, you know, just sab cheeze hain sab hai. Okay. 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 Thank you. So then. वेबिनार वर्कशॉप सो कौन करना चाहता है इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये वर्कशॉप में अपन को क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली कॉलेज वगैरह में होते हैं तो हम अटेंड किए भी हैं और पार्टिसिपेट भी किए, तो इसमें अपन कर सकते हैं, बट इसमें क्या करना है अपन को, किस प्रकार से काम होगा? कभी कभी इसमें जो शुरुआत होता है मातु जी की टॉपिक्स पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस पे करना है, करवाना है, कौन स्पीकर है कौन, उनको रीच आउट करना, उनको ईमेल करना कि हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, कुछ टाइम है कब है, राइट? उसके बाद फ्लायर्स, फ्लायर टीम डिजाइन करेगी, जो फ्लायर डिजाइन करेंगे उनसे करवा के लेना फ्लायर और गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म सब, राइट? अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ सकता है, हमारे पास फॉर्म का टेम्पलेट रेडी है, बेसिकली उसमें चेंज करना है कि हाँ ये नया प्रोग्राम, और फिर उसमें मॉडरेटर बेसिकली कि कैसे होगा प्रोग्राम, पहले कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, गेस्ट क्या प्रेजेंट करने वाले हैं, राइट? और फिर बस इतना ही है, मतलब जैसे हम, जैसे मैं कंडक्ट करता था भगवद गीता कोर्स, राइट? वैसे ही, कुछ नया नहीं है उसमें. एक्चुअली हम लोग कैसे कर सकते हैं माता जी, कि हम लोग साल का सपोज 6 वेबिनार प्लान कर लेते हैं, 6 वेबिनार, सो एवरी बाई मंथली या क्वार्टरली जो है वो एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें जो है फिर सपोज हमने एक डिसाइड किया अभी हमारा मई में सपोज को डिसाइड करते हैं हम लोग, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो रहेगा तो अच्छा रहेगा, लोगों को एक अवेयरनेस मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, हम 2-3 सेशन का कुछ हम लोग कर सकते हैं, 3 सेशन जैसा कुछ, और 3 सेशन जैसा कुछ, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग एक सारे ग्रुप्स में एक कुछ टॉपिक्स का लिस्ट डाल करके हम लोग पोलिंग वगैरह कुछ ले सकते हैं कि भाई ये टॉपिक करने का सोच, सपोज जैसे हो गया कि रिलेशनशिप्स है ना, फैमिली रिलेशनशिप जैसा कोई सेमिनार रख दिया या स्टूडेंट ओरिएंटेड कोई सेमिनार रख दिया, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टॉपिक, उसके बाद उसमें कॉलिंग करके कि हाँ इतने लोग इंटरेस्टेड हैं, टॉपिक का 4-5 ऑप्शन आपके पास रहना चाहिए, फिर उसके हिसाब से फिर एक बार फाइनल हो गया, फिर अपन डिस्कस करके स्पीकर कौन हो सकता है, तो मेल वगैरह करके जो है एक मेल वगैरह ड्राफ्ट करके, फिर जो हम मेरे पुरुषोत्तम प्रभु या आप लोग को भी कोई डायरेक्टली इंडली कोई कांटेक्ट में कोई अच्छे डिवोटी जो इस टॉपिक पे इंटरेस्ट रहेंगे यूट्यूब वगैरह के थ्रू, हम उनको अप्रोच कर सकते हैं, उसके बाद फिर एक बार वो हो गया फिर फॉर्मली रजिस्ट्रेशन हम लोग कर सकते हैं कि कितने लोग, जो डेट फाइनल हो जाएगा, डेट फाइनलाइजेशन होने के बाद फिर फॉर्मल रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं कि कितने लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका फॉर्म वॉर्म भराना है, जो भी करना है, और फिर वो हम लोग उसको कंडक्ट कर, फिर एक बार सब क्लियर हो गया फिर सबको हम लोग को मोटिवेट करना है, मोटिवेट करने के बाद सेशन के टाइम पे टाइमिंग, फिर जो स्पीकर आने वाले हैं सब, बेसिकली एक क्लियर कम्युनिकेशन, और उसके बाद उसका जो कंडक्शन होगा प्रोग्राम का, ठीक है? तो हाँ, एक बार सेशन चालू होगा फिर उसके अंदर स्पीकर का इंट्रोडक्शन देना, फिर स्पीकर को थैंक यू वगैरह बोलना रहेगा लास्ट में, फिर बीच में लोगों को मोस्टली वो जो पुरुषोत्तम प्रभु अच्छे से बताएंगे कैसे सेशंस का एक बनाया हुआ भी रहेगा पीपीटी टाइप का, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं जो एक सेशन में जरूरत पड़ता है, तो वो हिसाब से फिर वो हो जाएगा, बेसिकली ये ब्रीफ में एक आइडिया. Okay, so I think I'm going to keep you to lead, and I can lead because Pavan Nimai Prabhu बहुत सारी चीजों में मैं और भी बिजी हूँ, so मैं रहूँगा आपके साथ और आप लोगों को मैं सेटअप कर सकता हूँ 2-3 महीने 4 महीने में. तो यस प्रभु,
वेबिनार है प्रभु जी, इसमें मैं भी इंटरेस्टेड हूं, तो बड़ा मुझे गाइड करेंगे तो मैं इसमें कर सकता हूं। ओह यस वंडरफुल। तो एक काम करते हैं, पवित्रा माता जी थोड़ा बिजी होने वाली हैं बिकॉज ऑफ हर मैरिज कमिंग, सो ज्योति माता जी को लीड रहेंगी। और आपका नाम सोनू लिखूं क्या लिखूं? यही लिख दो, नहीं नहीं ओरिजिनल वाला बोलिए, मेरे दिमाग में याद नहीं आ रहा है। आवाज कट रहा है आवाज को। ये तो सुनाई पड़ रहा है, टाइप कर दीजिए मुझे आवाज। श्रवण, यस यस ओके परफेक्ट। सो हमारा टीम हो गया, दो तीन चीजें हमने फाइनल की है। इंदु सरीन माता जी बोल रही हैं वांट टू डू वैष्णवी संगा, राइट माता जी? जी प्रभु जी, प्रिया माता जी विल गाइड मी, आई विल रियली हेल्प, हैप्पी टू हेल्प हर। सो हरी बोल, बाकी पर लोग हरी बोल बोल सकते हैं, जब लोग सेवा ले रहे हैं उनके लिए। यस हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। अभी वीडियो एडिटिंग का किसी का इंटरेस्ट है, एक्सपर्टीज है, हेल्प करना चाहते हैं? यूट्यूब, दो चीजें बची हैं। यूट्यूब एक्चुअली मुझे जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि यूट्यूब हमारा बहुत ही मिस ऑर्गेनाइज्ड है। मैंने प्रयास करता हूँ, मुझे समय मिलता है, मैं ऑर्गेनाइज करूँ, प्लेलिस्ट में आऊँ, सब कुछ करूँ, बट नहीं हो पाता है, मुझे समय नहीं मिलता। प्रभु जी मैं हेल्प कर सकती हूँ उसमें। सो आई विल कीप यू मंथ जी। एंड सबसे अच्छी चीज क्या है, अगर आप लोगों को लगता है कि आपका फ्रेंड, आपका फैमिली मेंबर जो मदद कर सकते हैं, प्लीज इंक्लूड देम, योर हस्बैंड, योर किड, योर एनीवन। ये हम कोई पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है, तो किसी को भी आप इंक्लूड करिए। सेवा है, सेवा में कोई भी कर सकता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवद गीता नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं। आप वो लोग सेवा ऑटोमेटिक उनको फायदा मिलेगा, राइट? हेजिटेट मत करिए, ठीक है? तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को कि हाँ देखो अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे हमें हेल्प करना चाहिए, सो इनवाइट, एंड हम बहुत खुश होंगे कि वो लोग आए और जुड़े और ऐसे हेल्प करें एटलीस्ट इस तरीके से, ठीक है? थैंक यू श्रीमान जी, हरी बोल। थैंक यू टू श्रीमान जी फॉर टेकिंग दैट लीड। और कोई है जो यूट्यूब में श्रीमान जी के साथ करना चाहता है मदद? प्रभु जी, I'll not take my name, but I'll try to get it from my nephew and niece. They are into these kind of a thing probably. So I'll videos, try to bring video them. Video editing में भी हैं वो लोग? Video edit करना है ये सब? Okay. Yeah, they are all done these courses. Okay. I'll okay, try so to मैं आपका, get it. Yes. तो मैं आपका नाम रखता हूँ और आप उनको जब add करेंगे तब हम एक meeting करके हम एक kind of brief में कर दूंगा कैसे क्या है access देना और okay, yes Prabhu, I'll talk to them and then again I can confirm, but you can keep my name over there and yes. And Prabhu ji, item number 13 annual retreat. Prabhu ji, number 4 or 6 to related nahi hai? Yes, nahi 4 mata ji different hai, because 4 is just managing the channel. क्योंकि देखो हर वीकली हम वीडियोस बनते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन अपडेट करना, टाइटल डालना, हैशटैग डालना, उसको असाइन करना प्लेलिस्ट में, उसका उसका ग्राफिक्स बनाना, जो थंबनेल इमेज होती है वीडियोस का, तो वो सब अलग काम होता है। और वीडियो एडिटिंग मतलब आप डाउनलोड कर लो वीडियो को, उसको क्रॉप करो, कट करो, म्यूजिक डालो, एड करो, उसको रेडी करो टू पब्लिश इट, ठीक है? यस। तो राजी लेजन प्रभु, आप बोल रहे थे कुछ, बीच में इंटरप्शन हो रहा था। या नो प्रभु, प्रभु जी दिस आइटम नंबर 13 एनुअल रिट्रीट फॉर धाम, यस आई कैन डेफिनेटली हेल्प, आई कीप ऑन डूइंग इट। सो देन यू हैव टू गो इंडिया दैट टाइम। या दैट्स फाइन ओके परफेक्ट। सो वंडरफुल, राजी लेजन प्रभु के लिए तीन बार हम हरि बोल बोलेंगे।
हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल महीने में जनरली वी डू दिस रिट्रीट प्रोग्राम यप कार्तिक मंथ या एंड दिस टाइम After this Kartik, Allahabad Kumbh is also coming. Allahabad or Haridwar? One Kumbh is also coming. So some of the people are trying to combine these two when they are planning from US. Yeah. Let's do it together. So we are planning. So Abhi, right now we are in two plans. You know, one is like South India. Second option we have for this Ayodhya side. There are one more idea like you know go Ayodhya and from Ayodhya go to Vrindavan and then so abhi hum log discussion kar rahe hain aap log ka bhi koi suggestion rahega to dekh sakte hain sure baat hai yeah thank you abhi bacha hai flyer aur google form registration form to kaun hai jo seekhna chahte hain karna chahte hain Hare Krishna yes तो मुझे मुझे आता तो नहीं है बट अगर सिखा कोई देगा तो फिर मैं कर सकती हूँ तो बेसिक्स आता है जैसे आप पावर पॉइंट और ये सब बनाना आप जानते हैं अखिल जय प्रभु भोले माता जी अखिल जय प्रभु के घर से ओके तो आपका नाम बता दीजिए मैं लिखता हूँ और मैं ट्राई करूंगा मैं आपको सिखाने का मैं करता हूँ तो और कोई भक्त हैं जो जानते हैं फ्लायर बनाना या गूगल फॉर्म बनाना कोई है यहाँ पे या आपके कोई फ्रेंड हैं जो जानते हैं जिनको आप रिक्वेस्ट कर सको तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं तो मुझे थोड़ा आता है बट आई कैन गूगल एंड लर्न दैट ओ या कैनवा वी हैव कैनवा So, yeah, yeah. Mm-hmm. Okay. तो मैं आपका नाम लिखता हूँ तो, और वो अखिल क्या नाम था माता जी उनका अखिल झा प्रभु आपकी माला का नाम क्या ओके परफेक्ट सो दोनों लोग हैं और मैं साथ में रहूंगा आई विल हेल्प काइंड ऑफ सेटिंग अप अभी पवन पुत्र दास प्रभु क्विज और ये सब करते हैं उनके साथ कोई क्विज बनाना बेसिकली आपको क्विज बनाना है उसका लिंक ग्रुप में डालना है रिमाइंडर देना है क्विज खत्म करिए ये सब करना है तो कौन करना चाहेगा जिसको गूगल फॉर्म बनाना चाहे उसको क्विज आ जाएगा क्वेश्चन हम आपको देंगे क्वेश्चन आपको सिर्फ लगा के उसको थोड़ा सा लिख के क्वेश्चन बना कितने लोग टीचर हैं इस क्लास में जो आप टीचिंग करते हैं कोई टीचर हैं इसमें जो अब तक सेवा नहीं लिए कुछ आपके लिए ये सबसे बेस्ट है होगा होगा कैसे पहले ये तो आइडिया हमें तो प्रभु जी एक बार बता देंगे तो फिर कर सकते हैं बता देने पर मैडम प्रभु जी हम लोग कर सकते हैं लैपटॉप की आवश्यकता होगी इसमें फिर आप आपके नाम लिखाएंगे तब तो बताएंगे आप टेंशन मत लीजिए नाम लिखाइए बाद में चेंज करना रहेगा कर लीजिएगा नहीं जमा सेवा नाम तो लिखाइए यस यस नरेश प्रभु प्रभु तैयार हूँ लेकिन वो लैपटॉप नहीं मेरे पास मोबाइल से कर सकता हूँ कुछ कर सकता हूँ लैपटॉप आपको स्पॉन्सर करा देंगे एक नया लैपटॉप तब तो भी तो सब आगे आ जाएंगे मैं तो सारी सेवाओं के लिए तैयार हूँ हर एक जिसमें भी करा लो 1 अप्रैल से तो फ्री हूँ मैं टोटली बस नहीं यहाँ पे काम करिए हाँ सही है बढ़िया है तो वो जी को डीओटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में रखिए यस कहीं भी रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं हाँ नरेश प्रभु तो रहेंगे इसमें प्रभु जी डीओटी डेवलपमेंट भी आ जाऊंगा ठीक प्रभु हाँ उनको तो क्या है वो भेजेंगे लोगों प्रसाद और गिफ्ट तो आएंगे तो ऐसे डेवलप होंगे भक्तों तो उनको एक्चुअली मुझे वर्चुअल फेस्टिवल में चाहिए और अभी अभी हम क्विज में थे नरेश प्रभु हैं और क्या नाम है नाम नहीं याद आ रहा सुशील प्रभु आप भी चाहेंगे रहना उसमें और रखिए खाली मेरे को सर प्रभु जी बता दीजिए बाकी मैं कर दूंगा थोड़ा सा हिंट्स दे दीजिएगा तो आई विल डू इट सो सुशील प्रभु सुशील कुमार सिन्हा
केशरी माता जी जी तो आपके पास मोबाइल ही होगा वहां पे कि आपके पास लैपटॉप है वहां? लैपटॉप नहीं है। नहीं है तो मोबाइल है। तो आप काम करिए, आप गूगल क्विज का जो कुछ बनाएंगे ना उसका लिंक डालने का आप कर सकती हैं। जैसे हफ्ते में एक बार अगर कुछ हो रहा है सेशन, आपको लिंक डालना है, टाइम से बताना है कि हाँ आप लोग खत्म करिए इसको, सीखना पड़ेगा। ओके तो एक काम करिए, आप इनके साथ रहिएगा और जैसे जैसे काम करेंगे ना तो आप सीखेंगी कैसे हो रहा है, ठीक है? आप ऑब्जर्व करिएगा पहले। ओके वीडियो एडिटिंग में प्रभु जी आप मेरा मेरा नाम दे सकते हैं, मैं अपने डॉटर का हेल्प लेकर मैं कर दूंगा उसमें। किसमें किसमें सॉरी वीडियो एडिटिंग जो है। ओके वीडियो एडिटिंग बाय डाउनलोडिंग फ्रॉम वाईटी एंड अदर्स रिकॉर्डिंग। यस यस ओके परफेक्ट। तो मैंने आपको हेल्प ऑफ माय डॉटर। यस तो राजीव प्रभु हैं, उनके निश रहेंगे और वो सब आपके दोनों लोग रहेंगे, तो आई थिंक गुड अच्छा टीम हो जाएगा और लोग साथ में। तो ये वर्चुअल फेस्टिवल सेलिब्रेशन कौन कराना चाहता है? मैं हूँ बट आई नीड यू नो टू दो लोगों की हमें जरूरत है। क्या करना है मैं आपको बता दूँ, जैसे कोई फेस्टिवल आने वाला है, जैसे आने वाला है अभी गौर पूर्णिमा 25 तारीख गौर पूर्णिमा, हाँ जी गौर पूर्णिमा आने वाली है, तो हमें क्या करना है कि हमें एक स्लाइड बनाना पड़ेगा कि गौर पूर्णिमा में चैतन्य महाप्रभु के बारे में स्लाइड प्रेजेंटेशन ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो बेसिकली आपको थोड़ा लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। अगर आप आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, स्लाइड कोई और बना लेगा। अब क्या करना है कि उसका एक्टिविटी प्लान करना है, जैसे कुछ गेम, कुछ एक्टिविटी, कुछ क्विज जो गौर पूर्णिमा से रिलेटेड है, राइट? तो आप बच्चों के लिए एक्टिविटी प्लान करना है, जैसे कुछ जो वर्चुअली हम कर सके, उसका भी कंटेंट आपको मिल जाएगा, बच्चों का एक्टिविटी क्या है, प्ले क्या है, कैसे क्या क्वेश्चन। बट आपको क्या करना है, प्लान करके आना है और जूम पे कंडक्ट करना है कि हाँ चलो अब ये है, ये 5 क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं करता हूँ फेस्टिवल सेलिब्रेशन। या फिर कभी कभी बुक रीडिंग करना है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ना है, तो आप पढ़ के आओगे और दिखा स्क्रीन शेयर कर लूंगा मैं, बट आप बुलाओगे, अच्छा ये आप पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। तो बेसिकली मॉडरेशन का काम, क्योंकि वो भी सेवा है। उसके बाद जब प्रोग्राम एंड हो जाता है तो किसी को गिफ्ट भेजना है, कुछ करना है, तो उसको क्या करना है, उनका एड्रेस पता करना, मांगना और फिर उनको भेजना, ऑनलाइन ऑर्डर करना। ऑर्डर करने का काम पैसा हम दे देंगे, बट उसको ऑर्डर करना, ऑर्डर करवाना किसी से जो करने रेडी है, ये सब काम होता है। तो ये सब चीजें हैं जो वर्चुअल फेस्टिवल सेलिब्रेशन में आती है। जैसे कभी भगवत गीता में हमने क्या किया था, भगवत गीता पढ़ना था तो कोई स्क्रीन शेयर करे और सब लोग बारी बारी से पढ़ रहे हैं, लोगों का नाम बुला बुला के उसको आप मॉडरेट करो और करो, राइट? सबको क्लियर हो गया मैंने जो बताया एकदम? यस प्रभु जी। तो कौन है जो आप लोग करना चाहते हैं इसमें? और ये महीने में एक बार ही होगा या शायद 2 महीने में एक बार, अगर हमारे पास समय नहीं है, मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ मैच हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो हम स्किप भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर फेस्टिवल हो पाएगा, बट हमें एक टीम चाहिए जो करे जब भी हम करना चाहें, ठीक है? और ये नहीं है कि कभी कभी क्या में प्रोग्राम होता है तो आप फ्री नहीं कि उस दिन मंदिर में प्रोग्राम, तो हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसी दिन उसी टाइम पे होना चाहिए, ये आगे पीछे भी किया जा सकता है, ठीक है? किसी ने हैंड रेज किया प्रभु जी? ईश्वरी माता जी गलती से हैंड रेज हुआ है कि बोल नहीं रही थी? तो एक और एक सेवा था वो बीच में, वो माता एक दो अपना ये ज्योति शर्मा माता जी लोग कर दो अटेंडेंस वाला, वो डिग्री और जितने भी अपने प्रोग्राम होते हैं ना उसमें अगर कोई एक दो तीन, ये जो बड़ा काम है एक्चुअली, कैसे करना है देखना पड़ेगा, बट उसमें एक रेगुलर ट्रैकिंग है कितने लोग हैं नहीं आ पा रहे हैं। अगर हम फिर हम लोग कैसे नरेश वगैरह किसी सीनियर को देंगे तो आउटरीच, मतलब उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि प्रभु जी क्या है सब घर पे नहीं आ पा रहे हैं। ये एक्चुअली डीओटी
हाँ वो डीओटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही पार्ट रहेगा वो, बट एटलीस्ट वो ड्यूटी डेवलपमेंट में जाएगा, बट पहले वो अटेंडेंस या कुछ ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम में कुछ करना पड़ेगा वो। अटेंडेंस ट्रैकिंग एंड फॉलोइंग अप, तो आई थिंक पवन निमाय दास प्रभु आपको होना चाहिए उधर, क्योंकि ये मोस्टली चैंटिंग और इससे मैच करेगा। बट देन नरेश प्रभु हैं, और कोई है जो करना चाहते हैं? आपको क्या करना है, देखना है कि कौन कौन अटेंड कर रहा है, सीट रहेगा उसमें आप अपने अपने पास रख सकते हो, और जो लोग पिछले सपोज दे 2 हफ्ते से नहीं आ पा रहे हैं तो उनको रीच करना कि आप प्लीज आइए, रिक्वेस्ट करना, ये सब फोन करना, बात करना, ये सब काम है, क्योंकि मतलब वो कोई रेगुलर भी कर सकता ड्यूटीज है। का जो इसमें ज्योति शर्मा माता जी ने एक लिस्ट बनाया भी था, वो लिस्ट कोई प्रिंट मार करके या ऐसा हार्ड कॉपी रख सकते हैं, बस खाली सुबह मॉर्निंग चैंटिंग सेशन में ज्वाइन करके एक बार ऊपर से गो थ्रू करके उसके अंदर से मेजोरिटी रेगुलर वाले लोग रहते हैं, कौन है जो नहीं आ रहा है, कौन है जो रेगुलर आ रहा है, अपने को एक वो पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये ड्यूटीज हैं जो रेगुलर अभी आ रहे हैं, ये हैं जो अभी कुछ दिन से 1 हफ्ते से नहीं आ पा रहे हैं, क्या कारण है, तो फिर उनसे हमको बात करना रहेगा। कौन है जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, स्पोक पर्सन? और ब्रो जी ये मैं बताता हूँ ना, ये वो बहुत बड़ी सेवा है, हमने देखा है इवन नंदी बंधु प्रभु बताते हैं कि वो शुरू में वो बहुत बार नहीं आना चाहते थे प्रोग्राम में, मतलब अच्छा लगता था लेकिन फिर वो नहीं आते ना चाहते थे, बट फिर हम लोग को कॉल करते थे तो वो लोग कॉल करते थे तो बोल करके वो प्रभु जी लोग ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं करके आ जाते थे, तो बोले फिर वो ऐसा आ करके फिर समझ में आने लगा भक्ति क्या है, तो फिर जुड़ गए और फिर अभी कितना अच्छा सेवा प्रचार कर रहे हैं। तो कभी कभार होता है कि छोटा मोटा कुछ रहता है मन में हेजिटेशन या थोड़ा जीवन में चीजें ऊपर नीचे होती हैं, और उस टाइम पे अगर कोई डीओटी का एक सपोर्ट मिले और वो याद भी करे तो आदमी फिर वो आ जाता है, अदरवाइज फिर वो छूट जाता है। कौन से और लोग हैं जो नरेश प्रभु के अलावा जो इसमें सेवा देना चाहते हैं, फॉलो हरे कृष्णा करना? यस प्रभु जी, ये हमारे प्रभु जी ये कर देंगे और कॉलिंग का जो रहेगा वो मैं कर लूंगा। जी राइट अखिल जबरू माला माता जी सॉरी यस, अगर मतलब आपकी इच्छा हो तो सर। ऑफ कोर्स माला माता जी, ठीक है। सो बोथ ऑफ यू आर आवर स्पोक पर्सन इन नरेश प्रभु। ओके, और ऐसा नहीं है कि जो जैसे अगर आपको लगता है जैसे आपने कुछ सेवा ली है राइट, और आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरा मैनेज नहीं हो रहा है, तो आप हमें क्या करो एडवांस में बता दो, और आपको कुछ और आप करना चाहते हो जो उसमें आपको लगता है आप कर सकते हो, तो आप हमें बताओ पहले से, और हम आपको स्विच कर देंगे कि हाँ आपसे ये हो पाएगा या नहीं, राइट? तो करोगे तभी पता लगेगा, बिना किए कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो पवन निमाय प्रभु बोले शुरुआत करो, और शुरुआत करने के बाद मैं आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा क्या कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ चीजें कवर की है। आउटरीच टीम ऑफ कोर्स सब चीजें आउटरीच में ही है, तो मैं फिर एक सेपरेट एक ग्रुप बनाना पड़ेगा जो आउटरीच ग्रुप होगा, जिसमें बहुत सारे लोग साथ में काम करेंगे, जिससे किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए हमें मल्टीपल लोगों की जरूरत पड़ती है, राइट? तो आई थिंक हमारा माँ अगर मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ राइट, कौन मैं तो हो लीड में भगवत गीता में कोई नहीं है। सो भगवत गीता में पवन निमाय प्रभु और मैं करता ही हूँ, बट आई थिंक पवन निमाय प्रभु ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको समय टाइम नहीं मिल पाता, और क्योंकि ये भगवत गीता सेशन बहुत ही टाइम रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो और हमें बहुत ही वाइड आउटरीच करना होता है। ऑफ कोर्स आप सब लोग स्प्रेड करते हो, बट मोस्ट ऑफ लोग जो नीचे के हैं इसमें है मदद करने वाले, तो मैं अभी नाम नहीं, अगर आप लोग रेडी नहीं हो क्लियर नहीं हो तो मत दो, लेकिन आप सबको मैं बीच में लेने वाला हूँ इसमें, आप लोग सब लोग आओगे, क्योंकि वीडियो बनाना, फ्लायर बनाना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना, आउटरीच करना, राइटअप लिखना, ये सब सेवा है इसमें, ठीक है? तो सपोर्टर में ऑल सभी लोग कोर्स, वो हमारा मेन प्रोग्राम है, ठीक है?
सो समय भी ज्यादा हो चुका है, आई थिंक करीब 2 घंटे होने वाले पोस्ट। तो अगर किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट है, तो प्लीज आप बताइए, नहीं तो हम सेशन अब एंड करेंगे। अगर कुछ और नहीं है, पौनी मैं प्रभु, आपका कुछ है? ठीक नहीं ठीक है ब्रो जी। और इसमें कैसा होगा कि थोड़ा आप लोगों को प्रोएक्टिवली आगे आना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। तो इसकी भी जो सेवाएं यस हैं, यस एटलीस्ट 3 मंथ्स का प्लान आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिए और हम लोग 3 मंथ्स का प्लान बना लेते हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका क्या सेवा आ सकता है और उसके लिए कैसे कुछ स्टेप्स बना लेंगे हम लोग, स्ट्रेटेजी बना लेंगे। और फिर वो उसमें आराम से हम लोग वीकली बात करते रहेंगे तो भी हो जाएगा आराम से। या हरे मॉर्निंग कृष्ण। प्रोग्राम में भी ये बात करेंगे ना तो और लोग जुड़ेंगे इससे। मॉर्निंग प्रोग्राम में भी लेक्चर के बाद आप लोग अपना अपडेट भी करेंगे कि ये सेवा मैंने किया है, अभी ये कैसे होगा। तो उसमें क्या आप लोग और सपोर्ट करने वाले लोग मिल जाएंगे।